और 18वीं सदी के दरमियान तामीर किया गया। सिंध का यह अजूबा कब्रिस्तान अपने यूनिक आर्किटेक्चर की वजह से आर्कियोलॉजिस्ट को न सिर्फ हैरत ज़दा बल्कि एक मखमसे का शिकार कर देता है। जर्द पत्थरों से पिरामिड की शक्ल में तामीर की गई इन कब्रों पर नक्शोनिगार, फूल, चरंद परिंद, असलहे, जेवरात, शिकार के मनाजर यानी इंसानी जिंदगी की अक्कासी करते हुए नजर आते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को जो मामला सबसे ज़्यादा उलझाता है वो ये है कि इतने आलीशान मकबरों के बावजूद आसपास के इलाकों में इनके रिहाइशों का कोई सबूत नहीं मिलता। तो फिर आखिर किन वजूहात की बिना पर इन कबीले के लोगों ने अपनी आखिरी आरामगाह को इतना यादगार और बावकार बनाया जबकि अपने लाइफस्टाइल का कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। इस दियारे फन को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि यहाँ के आर्टिस्ट तजुर्बेकार और बेहतरीन कारीगर थे। आर्कियोलॉजिस्ट के अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे मदफून लोगों के नसब शायद राजपूतों से जाकर मिलता है क्योंकि यहाँ का तर्ज तामीर हिंदू सकाफत से बहुत ज़्यादा मुमासलत रखता है। कब्रों के अतराफ मौजूद ये चौकंडी या फिर कब्रों के ऊपर मौजूद छतरी राजपूताना तर्ज तामीर ही है। उसके अलावा सरदारों की कब्रों का दूसरों की कब्रों से ऊंचा होना भी हिंदुआना तर्ज अमल था। कब्रों के ऊपर मौजूद घोड़े या फिर तीर कमान भी राजपूत जड़ों की तरफ इशारा करते हैं क्योंकि वही अपने हीरोज को ट्रिब्यूट देने के लिए हीरो स्टोन्स लगाया करते थे। मेरे मुताबिक सबसे काबिल ज़िक्र चीज़ मर्दों के कब्रों के ऊपर बनाई गई ये पगड़ियाँ हैं क्योंकि पगड़ियाँ अरसा दराज से हमारे कल्चर में इज़्ज़त का सिंबल हैं। यहाँ के ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस अजरक से तशबीह रखते हैं। कुंदा फूलों में सबसे काबिल ज़िक्र सूरजमुखी यानी सनफ्लावर है जो इजिप्शियन और कदीम तहजीब में लाइफ फोर्स को सिंबलाइज करता था। यहाँ बहुत सी कब्रों पर स्वास्तिकास क्रॉस के निशानात भी मौजूद हैं जबकि कलमा भी खोदा गया है। हर कब्र का डिज़ाइन एक दूसरे से मुख्तलिफ है और अंदाजन अपने मकीन की ज़िंदगी के मुताबिक है। सारे हकायक की रोशनी में आर्कियोलॉजिस्ट ने अखज़ ये किया है कि सिंध और बलोचिस्तान अपने आर्ट्स और फन तामीर में एक इनफरादी हैसियत रखता है और ये कब्रिस्तान रिलीजन और कल्चर के इम्तिजाज के बेहतरीन मिसाल है। हाँ। इतना हैप्पी कोई कब्रिस्तान शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए। मुझे मालूम है इसके अंदर थोड़े से वॉइस फ्लक्चुएशन के इश्यूज थे तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा माजरत। उसके अलावा अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। बाकी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।